कल्पनादुबे.com। रामचरितमानस सिर्फ भक्ति भाव से पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है, इसको तो जो व्यक्ति जैसे पढ़ना चाहे। अगर कोई कलाकार पढ़ना चाहे तो उसमें अपार कला की संभावनाएं हैं। साहित्यकार पढ़ना चाहे तो साहित्य का अपार भंडार है। भक्त के लिए तो वह ईश्वर का साक्षात वरदान है। जो व्यक्ति जिस रूप में भी उसे पढ़ना चाहे उसे पढ़े, क्योंकि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये असाधारण है, अद्भुत है, अलौकिक है। रामायण रामचरितमानस, रामायण के नाम से भी लोग इससे परिचित रहते हैं, क्योंकि जो रामायण लिखी वो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी। आम आदमी उससे इतना परिचित नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा आम भाषा नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास जी ने इसे जन जन तक पहुंचाया। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा से अनभिज्ञता रहेगी तो उसे समझेगा कौन। इसीलिए इस रामचरितमानस का विशेष महत्व है। इसे रामायण के समकोटि ही रखा गया है। रामायण की महत्व बताते हुए कहा गया है, रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जे आवा। रामायण जहाँ रहती है सुर तरु की छाया, वो सुर तरु के समान है, देवताओं के तरु के समान, वृक्ष के समान है, पारिजात के समान है, है ना। दुख भय दूर निकट जो आवा, उसी के दुख दूर हो गए जो इसके निकट आया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस बीज दो निर्गुण रस गुण अस। इसके अंदर भक्ति और ज्ञान के दोनों ही बीज हैं और दोनों का सुंदर वर्णन किया गया है। मुनि बसुंड शिव प्रथम ही गायी सोय गायी जग हेतु गुसाई। काक बसुंड जी ने जिस राम कथा की चर्चा की, शिव जी ने पार्वती से जिस कथा की चर्चा की, उसी कथा की चर्चा गोसाई जी यानी तुलसीदास जी ने आम आदमियों से की, भक्त जनों से की। श्री रामायण जही घर माही भूत प्रेत न तर भूल न जाही। कि जाके यहाँ या जिस घर में रामायण होती है वहाँ भूत प्रेत निवास नहीं कर सकते। प्रीत करे रामायण माही ते ही सम भाग्यवंत को नाही। कि जो रामायण से प्रेम करता है उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। श्री रामायण भक्त न सैनी भक्त जनन कह आनंद देनी। कि रामायण तो भक्तों के लिए न सैनी के समान है, सीढ़ी के समान है, ऊपर चढ़ाने वाली है। भक्त जनन कह आनंद करनी, कि ये तो भक्त जनों को आनंद देने वाली है। कलयुग तरण उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। कि कलयुग में तो उद्धार सिर्फ दो ही कर सकते हैं, राम भजन या तो राम का भजन या रामायण का पाठ। कि ये दो ही ऐसे साधन हैं जो कलयुग में मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। सो घर तीर्थ रूप समभासे जहाँ गए सब पातक नासे। वह घर तीर्थ के समान है जहाँ गए सब पातक नासे। जहाँ जाने पर ही पापों का नाश हो जाता है। कहाँ जाने पर? जिस घर में रामायण रहती है, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, जिस घर में रामायण का अनुसरण होता है, वहाँ पर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। को जाने रामायण को रस यह तो है संतन को सर्वस। कि रामायण तो संतों का सर्वस है, सब कुछ है, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, सगुण भी, निर्गुण भी, दर्शन भी, सब कुछ है इसमें। और आगे कहते हैं कि मंत्र महामण विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये राम जो शब्द है, दो अक्षरों का जो नाम है, मंत्र महामण विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, ये भाग्य को भी बदल सकते हैं। जिस तरीके से मंत्र के वश में सर्प भी हो जाता है,
उसी तरीके से इस मंत्र के बस से भगवान राम भी भस्म हो जाते हैं और कुअंक भाल के जो हमारे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा है उसको भी ये बदल देता है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो, भवानी और शंकर कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। शिव पार्वती के संवाद रूप को, संवाद के जहाँ पर जो रामचरितमानस में शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से भी कथा कही गई है, तो संवाद को जो कथानक को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होंगे, यानी भगवान के प्रति उन्हें श्रद्धा भी होगी और विश्वास भी होगी। जो ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। तो ये था रामायण का महत्व, राम का महत्व, राम की विशेषता, नाम की विशेषता, प्रभु कृपा की विशेषता, सत्संग का महत्व, सत्पुरुषों की पहचान और रामायण का थोड़ा सा महत्व। कल्पनादुबे.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय है।